क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उसको हम पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा कि जो हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं वो फिलैंड कैसे सस्टेन करेगी। अब इसमें हमको ये पढ़ना है कि जो प्रोडक्शन हम करते हैं, हु विल प्रोवाइड द लेबर, उसमें काम कौन करेगा, लेबर कहाँ से आएंगे। तो आफ्टर लैंड, तो हम देखा लैंड के बारे में पढ़ लिया, लैंड की बात करिए तो लेबर इज द नेसेसरी फैक्टर्स फॉर प्रोडक्शन। उस लैंड पे काम करने के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट है, जो कि एक एसेंशियल फैक्टर है प्रोडक्शन का। फार्मिंग रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ हार्डवर्क, ठीक है, फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्डवर्क, फार्मिंग आवश्यक है हार्डवर्क के लिए। स्मॉल फार्मर्स अलोंग विद देयर फैमिलीज कल्टीवेट देयर ऑन फील्ड, ठीक है, स्मॉल फार्मर्स छोटे छोटे फार्मर्स हैं, अलोंग विद देयर फील्ड्स कल्टीवेट देयर ऑन फील्ड, ठीक है, स्मॉल फार्मर छोटे जो छोटे फार्मर्स हैं, along with their fields cultivate their own field, वो छोटे छोटे फार्मर क्या करते हैं, अपनी own अपनी खुद की फील्ड को खुद कल्टिवेट करते हैं। thus they provide the labor required for farming themselves, thus they provide the labor required for farming themselves, तो इस तरीके से they provide the labor required for farming, farming के लिए वो लोग क्या करते हैं, labor खुद है, ठीक है, जो small farmers हैं वो farming के लिए जो labor हैं वो खुद हैं, खुद अपने labor का काम करते हैं। medium and large farmers हायर फार्म लेबर टू वर्क ऑन देयर फील्ड, और मीडियम लार्ज फार्मर क्या करते हैं, लेबर को हायर करते हैं, लेबर को मतलब जॉब पे रखते हैं। फार्म लेबर कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली, तो फार्म लेबर के तौर पे काम कौन करता है, या तो जो लैंडलेस फैमिली है, जैसे मैं देखा पालमपुर में 150 फैमिली ऐसी जिनके पास लैंड ही नहीं थी, तो वो क्या करेंगे, एज अ लेबर वर्क करेंगे। तो जो फार्म लेबर्स हैं वो कहाँ से आते हैं, कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टीवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, या वो फैमिली जिनके पास लैंड के छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, उन्होंने अपना काम कर लिया, या उनको अपने खेत में जाने की बहुत कम नीड होती है, तो क्या करेंगे, आपके साथ एज अ लेबर काम करेंगे। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबर डू नॉट हैव अ राइट, लेकिन अनलाइक फार्मर्स यानी कि इनके जो लेबर का फार्मर्स की तरह राइट नहीं होता है। फार्म लेबर डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड, ठीक है, जो फार्म लेबर है उनका जो उस लैंड पे जो क्रॉप ग्रो हुई है उस पे राइट नहीं होता है। इंस्टीड दे आर पेड वेजेज बाई द फार्मर, या तो उनको क्या होगा, फार्मर से वेजेज मिलेंगे फॉर बाई द फार्मर्स फॉर होम दे वर्क, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं उसके लिए क्या होता है, उनको फार्मर से वेजेज सैलरी जो भी है पैसा मिलेगा। वेजेज कैन बी इन कैश, ये कैश के तौर पर भी हो सकता है, और इन काइंड क्रॉप्स, या ये बोल सकते हैं कि आप एक दिन काम करोगे तो हम आपको 1 kg वीट देंगे, 10 kg वीट देंगे, एंड और इस तरीके से भी प्रोवाइड कर सकते हैं। समटाइम लेबर्स गेट मील्स ऑल्सो, कई बार लेबर्स को मील यानी कि भोजन भी प्रोवाइड, खाना भी दिया जाता है। वेजेज वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, अब किस एरिया में पर डे काम करने का कितना पैसा मिलेगा वो वेरी करता है अलग अलग स्टेट में, ठीक है, तो जो वेजेज हैं वो वेरी करती हैं रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप, रबी क्रॉप में अलग होगा पैसा, जो खरीफ क्रॉप है उसमें सेपरेट रहेगा। फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, अब फार्मिंग एक्टिविटी कौन सी है, सोइंग एक्टिविटी या हार्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो हर एक एक्टिविटी के हिसाब से पर डे का वेजेज डिफरेंट होता है। देयर इज ऑल्सो वाइड वेरिएशन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का ड्यूरेशन में भी काफ़ी वेरिएशन रहता है, कितने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अ फार्म लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन डेली बेसिस, ठीक है, एक फार्म लेबर को हम कई बार डेली बेसिस पे हायर करते हैं कि डेली जितने दिन आप काम करोगे उतना दिन का हम पैसा देंगे फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी, और कई बार एक फार्म एक्टिविटी के लिए, भाई जब तक हार्वेस्टिंग चल रही है तब तक आप हमारे साथ हो, और इतने जब तक एक्टिविटी चलेगी इसका इतना पैसा रहेगा, तो इस तरीके से भी डेली वेज के हिसाब से भी, और क्या कर सकते हैं, और एक तरीके से एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के हिसाब से भी रख सकते हैं, लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल या पूरे साल के लिए भी मतलब डिसाइड कर सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, किसी को डेली वेजेज पे हमें रखना है, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए रखना है, या पूरे साल के लिए रखना है। डला एज अ लैंडलेस फार्म लेबर, जैसे एक एग्जाम्पल दिया उसका नाम डला है एक पर्सन का, जो एक लैंडलेस फार्म लेबर है हु वर्क्स ऑन डेली वेजेज इन पालमपुर, जो पालमपुर में डेली वेजेज के तौर पर यानी कि डेली काम के तौर पर काम करता है, डेली सैलरी के तौर पर काम करता है। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, इसका मतलब है कि डेली काम का सर्च करता है, डेली वर्क सर्च करता है। द मिनिमम वेजेज फॉर अ फार्म लेबर सेट बाई द गवर्नमेंट ₹115, अप्रैल 2011 की बात है, अब तो रिवाइज हो चुका है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पर डे का सैलरी 115 पर डे होना चाहिए, लेकिन फिर भी डला को कितना मिल रहा है, 80 रुपये एक दिन का मिल रहा है, गवर्नमेंट डिसाइड कितना किया 115 रुपीज, और ये इसको कितना प्रोवाइड किया जा रहा है 80 रुपीज। देयर इज हैवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क एमंग द
फार्म लेबर इन पालमपुर। क्यों? क्योंकि पालमपुर के जो फार्म लेबर उनके बीच में काफ़ी कंपटीशन है। वो 100 रुपये में काम करने के लिए ज़्यादा तैयार है, दूसरा आदमी 90 में 90 में करने के लिए रेडी है, इसलिए इतना कंपटीशन होने की वजह से दिक्कत है। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेज, यही वजह है कि वहाँ पर जो लोग हैं वो लोअर वेजेज कम पैसे पर काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। डला अबाउट कंप्लेंस अबाउट सिचुएशन टू रामकली, ठीक है, जो पीछे वाले पेज में जो स्टोरी दी हुई है तो उसमें वो डला ही रामकली को बता रहा है कि भाई इतना हम काम करते हैं तब भी हमें इतना कम पैसा मिल रहा है, हुए जे अनदर फार्म, जो कि दूसरी फार्म लेबर है। तो बोथ डला एंड रामकली आर एमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज, ये विलेज के पुअरेस्ट पीपल हैं जो कि एज अ फार्म लेबर के तौर पर काम करते हैं। अब अगला चीज़ आ रही है, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, फार्मिंग के लिए कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, मशीनरी चाहिए, वो कहाँ से आती है? यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, यू मस्ट ऑलरेडी सीन, तो हमने ऑलरेडी देखा कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है उसके लिए कैपिटल का नीड होता है। सो दैट द फार्मर्स नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर, तो जब काम आएगा फार्मिंग के टाइम पर तो उनको पहले कंपेयर में ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होगी। तो मोस्ट स्मॉल फार्मर्स, कैपिटल कहाँ से आएगा? मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल, जो स्मॉल फार्मर है समझिएगा, जो स्मॉल फार्मर्स वो क्या करते हैं, वो बोरो करते हैं, ठीक है, पैसा ब्याज पे लेते हैं, बोरो करते हैं, ठीक है, दूसरों से कर्ज लेते हैं। स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल, कैपिटल यानी कि प्रोडक्शन के लिए हमें, प्रोडक्शन के लिए हमें सीड चाहिए, मशीन चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं वो, उसके लिए वो लोग बोरो करते हैं, ठीक है, बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर्स, दे बोरो फ्रॉम, बोरो करते हैं लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर, ठीक है, बड़े फार्मर से या फिर विलेज मनी लैंडर से, और ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन, दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, लार्ज फार्मर से बोरो करते हैं या विलेज मनी लैंडर से, और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन, ठीक है, और द विलेज मनी लैंडर्स, या फिर विलेज मनी लैंडर से, और ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज वेरी हाई, तो किससे बोरो करते हैं वो, जो विलेज के बड़े फार्मर हैं, या फिर जो विलेज मनी लैंडर से यानी कि जो पैसा देने का काम करते हैं, या जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेडर्स जो कि उनको इनपुट्स देंगे, मतलब यानी कि कल्टीवेशन के लिए हमें सीड्स चाहिए, ठीक है, पेस्टिसाइड्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, तो वो कौन, जो जो ट्रेडर्स उनको प्रोवाइड करेंगे उनसे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज वेरी हाई, और जो इन लोगों से लोन जो मिलता है वो बहुत हाई होता है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन, और उस लोन को रीपे करने में काफ़ी डिस्ट्रेस, काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं। तो स्मॉल फार्मर्स को लोन कैसे मिलेगा, उनको लोन बोरो करना पड़ेगा, या तो मनी लेंडर्स, या फिर लार्ज फार्मर्स, या फिर जो ट्रेडर हैं उनसे। सेकंड, इन कॉन्ट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर, स्मॉल फार्मर कंपेरिजन में जो मीडियम और लार्ज फार्मर हैं, ठीक है, जो छोटे और बड़े फार्मर हैं, हैव देयर अर्न सेविंग फ्रॉम फार्मिंग, जो फार्मिंग करते हैं उससे उनकी हर एक साल, हर एक ईयर, हर एक सीजन में कुछ सेविंग होती है। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, तो वो जो सेविंग उनकी हुई है उस सेविंग से वो क्या करते हैं, अपनी जो कैपिटल की नीड है वो अरेंज करते हैं, पूरी करते हैं। हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर अर्न सेविंग, यू विल शैल फाइंड आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन, तो ये कैसे उनके पास सेविंग होती कैसे है, इसको आप नेक्स्ट सेक्शन में समझ पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, मनी बोरो करके कैपिटल अरेंजमेंट करते हैं, और जो मीडियम और लार्ज फार्मर उनके पास जो लास्ट ईयर का सेविंग हुआ है उससे वो अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।